62 में चाइना के साथ लड़ाई हुई, उस वक्त कृष्णा मेनन थे डिफेंस मिनिस्टर। पहली बार हिंदुस्तान में फौज के बीच में, नेवी के बीच में, एयरफोर्स के बीच में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया उन्होंने और पॉलिटिकल जनरल्स बनाए, जैसे जनरल बड़ाव सिंह, जनरल कौल वगैरह। और एक तरफ वो थे, दूसरी तरफ थे जनरल चिमाया, फर्स्ट क्लास सोल्जर, जनरल शिव वर्मा, जनरल बोगी सेन, जनरल वजालिया, जनरल मैसेल्फ। वी आर नॉट पॉलिटिकल सोल्जर्स, वी कीप टू आवरसेल्फ। तो उस वक्त जो आर्मी चीफ थे जनरल थापा, उनके पास मॉरल करेज नहीं थी टू स्टैंड अप। जब पंडित जी ने कहा चाइना आ गए था कि थ्रो देम आउट, उस वक्त उसने हिम्मत से नहीं कहा कि मेरी फौज अभी तैयार नहीं है, उनके पास सामान नहीं है वगैरह। उसने बस ऑर्डर मान लिया, ऑर्डर दे दिया इनको, फौज तैयार नहीं थी, कमांडर्स नालायक थे। उस लिए नहीं तो फौज कभी हार नहीं सकती।